गाइस, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी पर्सन का मोबाइल नंबर ट्रांसफर हो जाए किसी हैकर के पास और देखते ही देखते उस पर्सन का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए? जी हाँ गाइस, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है और इसको हम कहते हैं सिम कार्ड स्वैप स्कैम। ये बहुत ही खतरनाक स्कैम है जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इस स्कैम में फंस चुके हैं। इसीलिए गाइज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्कैम के बारे में, जानेंगे कैसे ये स्कैम वर्क करता है और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। तो हाय गाइज, मेरा नाम है शगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज, इस स्कैम को हम कहते हैं सिम कार्ड स्वैप स्कैम। और गाइज, इस स्कैम में क्या होता है कि आपके जो स्मार्टफोन पे सिम कार्ड का सिग्नल आ रहा होता है वो गाइज चुपचाप ट्रांसफर हो जाता है हैकर के स्मार्टफोन पर, जिससे कि गाइज हैकर के स्मार्टफोन पर आपके सारे मैसेजेस, ओटीपी वगैरह सारे इंफॉर्मेशन उसके स्मार्टफोन पर आते हैं और उससे गाइज वो कोई भी बैंक का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बहुत ही ईजिली कैरी आउट कर सकता है अपने स्मार्टफोन पर। और गाइज साथ ही में वो बहुत ही ईजिली आपके अलग अलग अकाउंट्स को भी रिकवर कर सकता है, जैसे आपका गूगल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, जिसमें भी आपने जो है उस फ़ोन नंबर को यूज़ कर रखा होगा। तो गाइज उन सब अकाउंट्स को जो हैकर है वो बहुत ही ईजिली रिकवर कर लेता है। इसीलिए गाइज ये स्कैम बहुत ही खतरनाक बन जाता है। तो गाइज ये स्कैम ऐसे वर्क करता है कि इसमें हैकर्स यूज़ करते हैं कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, जिसमें गाइज सबसे पहला स्टेप जो कि हैकर यूज़ करते हैं वो है ये कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करते हैं। यानी कि गाइज जैसे आपका नाम है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, पिन कोड है, साथ ही में जो है डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है वगैरह वगैरह, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं। और इसको कलेक्ट करने के लिए ये गाइज आपको सेंड करेंगे अलग अलग टाइप्स के ईमेल, एसएमएस या डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे और आपको कन्वेंस करेंगे कि आप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें इनके साथ। और गाइज जब इनको ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर गाइज ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से। यानी कि जैसे आप जियो की सिम यूज़ करते हैं तो ये डायरेक्टली जियो से कॉन्टेक्ट करेंगे और उसके कॉन्टेक्ट करने के बाद वहाँ ये बताएंगे कि गाइज हमारी जो सिम है वो खो गई है और हमें जो है अपनी सिम को पोर्ट करवाना है इस नंबर पर। और गाइज उसके बाद जो है वहाँ से कुछ वेरिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही शामिल होती है जो कि गाइज हैकर्स के पास पहले से ही है। बात तो सही है। और गाइज अगर मान लीजिए वहाँ जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो गाइज विद इन फ्यू आवर आपकी सिम पर से जो है सिग्नल हट जाएगा और गाइज वो डायरेक्टली हैकर की सिम पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि गाइज जो है हैकर की सिम पर सारे एसएमएस, ओटीपी वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली उसके स्मार्टफोन पर आने लगेगी और उससे गाइज वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बहुत ही ईजिली कैरी आउट कर सकता है। और गाइज इसी के साथ में एक बार भी अगर हैकर के पास उस आपके मोबाइल नंबर का एक्सेस मिल गया तो गाइज उसके बाद वो बहुत ही ईजिली आपके ऑनलाइन अकाउंट्स जिसमें भी आपने इस मोबाइल नंबर को यूज़ किया होगा उसे बहुत ही ईजिली ओपन कर सकता है, जैसे कि आपका जो है ट्विटर अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है या गाइज आपका व्हाट्सएप क्यों ना हो, तो गाइज इन सबको जो है वो बहुत ही ईजिली रिकवर कर सकता है। इसीलिए गाइज ये काफ़ी खतरनाक स्कैम बन जाता है जिसे हम कहते हैं सिम कार्ड स्वैप स्कैम। तो गाइज अब अगर हम देखें कि आप इस सिम कार्ड स्वैप स्कैम से कैसे बच सकते हैं, तो गाइज इसके लिए आप कुछ चार पांच अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं इस स्कैम से बचने के लिए। जो इसमें सबसे पहला मेथड है वो है ये कि आप सिम कार्ड लॉक को सेटअप कर लें अपने स्मार्टफोन में। तो गाइज इससे क्या होगा कि जब कोई भी आपकी सिम को पोर्ट करेगा या आप खुद पोर्ट करेंगे तो गाइज उस टाइम पर आपको सिम कार्ड का जो लॉक या सिम कार्ड का जो पिन आपने सेटअप किया है उसे वहां पे डालना पड़ेगा। तो इससे गाइज क्या होगा कि कोई भी हैकर जो है वो इतने आराम से आपका नंबर पोर्ट नहीं कर सकता किसी भी दूसरे नंबर में, इसीलिए गाइज वो वहाँ पे जो प्रोसेस है उसे काफ़ी डिले कर देता है। और उसे अगर हैकर को सिम कार्ड का लॉक नहीं पता होगा फिर वो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से पीयूके नंबर के बारे में पूछेगा, तो गाइज वो काफ़ी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है और पीयूके नंबर गेट करने में हैकर को काफ़ी ज़्यादा एडिशनल वेरिफिकेशन से भी गुजरना पड़ता है।
तो इसीलिए गाइस सबसे पहला टिप ये है कि आप अपने सिम कार्ड के लॉक को सेटअप कर लें स्मार्टफोन पर। इसके लिए आप सेटिंग्स ऐप में सिंपली जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं सिम कार्ड लॉक, और फिर यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली अपना सिम कार्ड का पिन सेटअप कर पाएंगे। और गाइज साथ ही में दूसरी टेक्निक ये है कि गाइज आप जो है अपनी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपका जो फुल एड्रेस है या आपका आधार नंबर है, ये गाइज कभी भी आप पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक या ट्विटर पे शेयर ना करें, क्योंकि गाइज इससे जो है हैकर्स डायरेक्टली उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपके अकाउंट पर जाके। इसीलिए गाइज जो है आप इस इन्फॉर्मेशन को अगर शेयर नहीं करेंगे तो इससे हैकर्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और गाइज तीसरी टिप ये है कि आप ऐसे ईमेल्स, एसएमएस या कॉल से अवेयर रहें जो कि डायरेक्टली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूछते हैं। और गाइज उससे पहले जो है ईमेल या जो है जिस पर्सन ने आपको ईमेल भेजा या एसएमएस भेजा या कॉल की है, तो उस पर्सन की आप आइडेंटिटी को जरूर पहले जो है मिलाएं कि वो पर्सन ऑथेंटिक है या नहीं है, उसी के बाद जो है आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और गाइस साथ ही में जो है आप स्पैम प्रोटेक्शन को भी अपनी डिवाइस पर यूज कर सकते हैं। तो गाइस इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई हैकर जो है आपको कॉल करेगा, तो वो जो नंबर जिस नंबर से वो कॉल कर रहा है वो नंबर जो है पहले से ही स्कैम प्रोटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि एक ये स्कैम नंबर है। इसीलिए गाइस आप उस पर जो है और केयरफुल हो जाएंगे, और आप जो है ऐसे ही किसी को अपनी सेंसिटिव या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। और गाइस साथ ही में चौथी टिप ये है कि अगर आपकी स्मार्टफोन पे कुछ घंटों से सिग्नल गायब है, तो इस केस में जो है आप डायरेक्टली जल्द से जल्द अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें और उनको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें कि गाइस हमारे स्मार्टफोन पे सिग्नल गायब है, जिससे कि गाइस जो है वो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो डायरेक्टली आपकी सिम को ब्लॉक कर पाएंगे अगर कोई हैकर आपकी सिम को यूज़ कर रहा होगा। तो गाइज इसको जो है आपको जल्द से जल्द करना है, वरना गाइज जो है हमें कुछ ऐसी अलग अलग टाइप की न्यूज़ेस देखने को मिल सकती हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और गाइज साथ ही में पांचवी टिप ये है कि आप बैंक अकाउंट में जिस फोन नंबर को लगाए वो गाइज फोन नंबर आप कहीं भी शेयर ना करें, और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतलब अपना फोन नंबर से वेरिफिकेशन करने के लिए एक दूसरा फोन नंबर यूज करें। तो इससे क्या होगा कि आप जो बैंक अकाउंट वाला फोन नंबर है वो आपका काफी सेफ रहेगा, वो कहीं भी शेयर नहीं होगा। और चाहे तो आप उसके लिए एक ईमेल आईडी भी दूसरी क्रिएट कर सकते हैं और उस फोन नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं, जिससे कि गाइज जो हैकर्स हैं वो उसमें मतलब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, आपको उनकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल गई मान लो, लेकिन फिर भी ईमेल आईडी नहीं मैच करेगी, तो गाइज इससे जो है वो जो हैकर्स हैं वो आपकी सिम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और साथ ही में वो सिम को पोर्ट भी नहीं करवा पाएंगे। तो गाइज ये एक लास्ट टिप है जो कि काफ़ी इफेक्टिव भी हो सकती है आपके लिए। तो गाइज ये हमने देखा कि कैसे ये सिम कार्ड स्वैप स्कैम वर्क करता है, और गाइज साथ ही में जो है हमने ये भी देखा कि कैसे हैकर्स आपको कन्विंस करते हैं कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें उनके साथ। और गाइज इस वीडियो में हमने ये भी देखे कि क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप इस स्कैम से बच सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और गाइज साथ ही में जो है आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो हर दिन मिलती रहें, और आप हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस के लिए। तो गाइज मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।